एलन मस्क ने पिछले दिनों ही घोषणा की थी कि वो ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट से फ्री दिए गए ब्लू टिक को हटा देंगे। Let's can we call it what it is? Kind of a real hot mess today with fake accounts popping up everywhere. Ever since Twitter took away its blue check marks for high profile accounts like celebrities, politicians, government agencies, that little blue check, love it or hate it, that let you know that was the real deal, whatever you're talking to. So you had situations like these, a battle of the accounts to figure out who's real, who's not. ट्विटर एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म जो आज पूरी दुनिया में एक हॉट टॉपिक बन चुका है, लेकिन क्यों? क्या ट्विटर अपने नए पॉलिसीज के बाद उतना ही सेफ है जैसे पहले था? और क्या है ये गोल्ड ब्लू एंड ग्रे टिक, आइए जानते हैं। तो 14 अप्रैल 2022 में जब एलन मस्क ने ट्विटर कंपनी को $43 बिलियन में खरीदा और इसे प्राइवेट किया, तब एक अनाउंसमेंट सुनने को मिला था कि अब ट्विटर पे हमें चार्जेस पे करने होंगे, पर तब इस बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। और आज यह बात सच होते दिख रही है जब एलन मस्क सारे सेलिब्रिटीज के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक रिमूव कर रहे हैं और अब यूजर्स को ब्लू टिक के लिए मंथली पेमेंट करना होगा 900 पर मंथ। एक्चुअली ट्विटर अकाउंट पे ब्लू टिक या मार्क होने का मतलब है आप एक ऑफिशियली वेरीफाइड यूजर हैं, या कहे तो ये आपके स्टेटस को भी बढ़ा देता है। लेकिन रिसेंटली ट्विटर अपनी सब्सक्रिप्शन पॉलिसी के साथ सारे पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज जैसे CM योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एंड ऑल्सो क्रिकेटर्स लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा और ऐसे कई लोगों के अकाउंट से वेरीफाइड मार्क हटा दिया है और अब ट्विटर पे ब्लू टिक लेना आसान हो गया है। अब इसे कोई भी ले सकता है, चाहे फॉलोअर्स हो या ना हो, बस पेमेंट कर दीजिए और ब्लू टिक ले जाइए। कहते हैं कि ये शायद एलन मस्क का कोई नया तरीका है अपनी लॉसेस जल्दी रिकवर करने का। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस किया है, अब कोई भी अकाउंट होल्डर सब्सक्रिप्शन के बाद ब्लू टिक ले सकता है, फिर चाहे वो कोई भी नाम से हो। इसका मतलब शायद आगे हमें ट्विटर पे एक ही नाम के कई सारे वेरीफाइड अकाउंट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे 2-4 अमिताभ बच्चन के नाम से या शाहरुख खान के नाम से या कोई और सेलिब्रिटीज के नाम से एक नया प्रोफाइल, और इसका इम्पैक्ट काफी बुरा हो सकता है। सोचिए अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के नाम से ब्लू टिक ले ले और कुछ गलत ट्वीट कर दे, और क्योंकि अकाउंट वेरीफाइड है हम मान लेंगे, तो सोचिए इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद अब ट्विटर पहले जैसा सेफ नहीं है। यह सब बातें हो गई करंट सिचुएशन के हिसाब से। अब शायद हो सकता है कि ट्विटर आने वाले समय में अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करे। और अब आखिर ये गोल्डन, ग्रे और ब्लू टिक होता क्या है, आइए जानते हैं। ब्लू टिक ये एक ट्रेडिशनल वेरिफिकेशन मार्क है, इसका मतलब आपका अकाउंट सब्सक्रिप्टेड है और 30 दिनों से ज्यादा पुराना है। गोल्ड टिक या मार्क सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस के लिए है जो $1,000 के मंथली प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में 82,500 होता है। और ग्रे टिक ऑफिशियल गवर्नमेंट अकाउंट्स जैसे नेशनल एजेंसी या हेड ऑफ स्टेट को वेरीफाई करेगा। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।